आइए वेलकम करते हैं मेरे शो पे पहली दफा फरियाल गौहर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू कि आपने हमें इज्जत दी कि आप हमारे शो पे आई हैं डब्ल्यू वी बहेमानी की तरफ से। वैसे तो आप इतनी ब्यूटीफुल हैं लेकिन ये मेंटेन करेगी आपकी ब्यूटी को। मैं तो आई इसीलिए थी कि आई यूज हिज प्रोडक्ट्स। ओह वाओ जबरदस्त। प्लीज हैव अ सीट। बैठिए बैठिए तशरीफ रखिए बैठिए। इसमें काजल है? काजल मैं नहीं होगा तो मैं मंगवा लूंगी। आप काजल आपको पसंद है? मैं लगाती हूँ। ओह वाओ। मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं अपनी दूसरी गेस्ट को भी बुलाती हूँ एंड देन फिर हम मज़े मज़े की बातें करें जी। सो ये जो मेरी दूसरी गेस्ट है ना ये मेरी सहेली है। ये मेरी क्या ये आपकी सहेली है? ये हर उस कहते ना एज ग्रुप की सहेलियाँ जिसके साथ बैठती हैं ये उस जैसी ही बन जाती हैं। इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। और आइए वेलकम करते हैं उस पर्सनालिटी को जिनके बगैर मेरा शान सहूर मेरे ईद के शोज या मेरे कोई भी ऐसे शोज अधूरे हैं। ये हर शो में फिट इन होती हैं क्योंकि मुझे और आपको भी इनसे मिलना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आइए वेलकम करते हैं बुशरा अंसारी। जब भी जाती हैं मुल्क से बाहर तो मैं बहुत याद करती हूँ। हाँ मैं भी देख रही होती हूँ कि अच्छा ये मेरे बगैर क्या क्या कर रही है। चेक कर रही होती हूँ कि ये मेरे बगैर खुश तो नहीं ज्यादा। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू पाकिस्तान। एक हफ्ता हुआ आए हुए और मैं ऐसे हूँ ना हर रोज यहाँ। सबने पकड़ा हुआ है इनको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ईद के दिन तक अल्लाह का शुक्र है। खैर आके सबसे दोबारा रिकनेक्ट करना भी है ना। आ जाए आ जाए। थैंक यू सो मच। और इतनी अच्छी प्यारी दोस्त से इतने सालों बाद मिलवाया ये भी बहुत अच्छा। कई साल हो गए। अच्छा आप लोगों ने इकट्ठे काम किया है? नहीं कभी नहीं किया। करना चाहते हैं लेकिन जो काम हम करना चाहते हैं वो होता नहीं है। बता नहीं होता मतलब जो टाइप का जिस टाइप का कंटेंट हमें चाहिए है। हाँ, अब मतलब बामानी जो नहीं होता। हाँ, हाँ। जो।